बद भक्त हम जो बखील गाफल बे नजर बेबाक नानक भगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक कहां बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सके महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लेहो तुम कथा सिधारी परम सम्मान योग जुगो जुग अटल तख्त चवर दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सुभाए मान सत संगी जनों आओ आपा अंतम अरदास गुरमत समागम विच जुड़ बैठे हाँ। रस भिन्ना कीर्तन आप जी ने भाई साहब भाई दिलवर सिंह जी अते गुरमुखां दी भाई साहब जी दी रसना तो आप जी ने श्रवण किया है। भाई साहब शब्द पढ़ रहे सन अखीर ते दुख ना ही सब सुख ही है रे एक है एक ही नेता गुरु अर्जुन देव महाराज जी का वचन है। महाराज कहन लगे किसी मनुख की अवस्था ब्रह्म विच लीन हो जाए ब्रह्म नू जप जप के ब्रह्म विच लीन हो गया मनुख सत जाना ने रस पिंदा कीर्तन किया। आओ आप जी एकाग्रता जरूर बख्शो ताँ जो आपां गुरु के शब्द नू गुरु के पावन बचन नू गुरु की कृपा सदका ही विचार सकी। एक बार आप जी आरंभता विच गुरु बख्शी फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन का शब्द पढ़िया जा रहा सी धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का वचन है गौड़ी महला नौवां ते आरंभले वचन सन साधो रचना राम बनाई एक बिनस है एक अस्थिर मन है अचरद लिखे ना जाई। गुरु ग्रंथ साहब जी दे 219 अंक ते सुशोभित ये वचन है। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह महाराज आरंभला वचन वरतदे साधो रचना राम बनाई कह लगे आ जिहड़ी सृष्टि तुसीं तकी जा रहे हो जो कुछ भी रचना वेखदे हो ये उस रमे हुए परमात्मा वाहिगुरु की बनाई हुई है। ये पिछे एक सवाल खलोता है कि जे ये बनाई उस मालक ने है तो कोई वक्त होएगा ये होएगी नहीं जे ये बनाई उस मालक ने है तो कोई अजिहा भी वक्त होएगा जदों ये सृष्टि नहीं होगी। धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तुसीं पढ़ के वेखो गुरु नानक साहब जी का एक वचन है बहुत गहरा वचन है बाणी का। गुरु नानक साहब आखदे अरबद नरबद तुंदू कारा धरन ना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाध लगाएंदा खाणी ना बाणी पौन ना पानी ओपत खपत ना आवन जानी। सतगुरु ने लंबेरा वचन आखिया कहन लगे एक ओ समा इनू बड़े ध्यान नाल सुनियो अरबद नरबद मैं सुखाले अर्थ कर रहे हैं अरबद नरबद का अर्थ है वह समा जिहड़ा गिनती तो परे असल उदो समा भी शब कहिंदे उदो इउं मानो परमात्मा अपने हुक्म विच ही आप ही बैठा होया सी
ते अगले वचन भरते कह लगे ना दिन रैन ना चंद ना सूरज ना दिन सी ना रात सी ना चंद्रमा सी ना सूरज सी। मैं फिर बेनती करा अज असी ए ओ मालक दी रचना विच वेखदे हैं इत्थे सूरज प्रकाश हुंदा है चंद्रमा प्रकाश हुंदा है दिन चढ़दा छिपदा है पर धन गुरु गुरु नानक साहब जी दे पावन बचन ने कहन लगे एक वक्त ए नहीं सी ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाध लगाएंदा ओ परमात्मा ही मन नूं सुन समाधि विच टिकिया होया सी। अगले वचन है खाणी ना बाणी पौण ना पाणी ओपत खपत नयावन जानी। हजूर कहन लगे ना उदो खाणियां सी अज चार खाणियां आप जी गुरबाणी विचों पढ़दे हो अंडज जेरज सेतज कीनी उत पुज खान बहुर रच दिनी। चार खाणियां तो जीवां दी उत्पत्ति है अंडज दा अखरी अर्थ हुंदा है अंडियां तो जन्म लैण वाले जीव खास करके पंछियों के जिहड़े बच्चे ने जेरज का अखरी अर्थ हुंदा है जेर तो जन्म लैण वाले जीव खास करके मनुख ते पशु का बच्चा है। सेतज का अर्थ हुंदा पसीना मुड़का जिहड़े चेता रखियो जुआ आदिक खटमल आदिक मच्छर आदिक ने यह सेतज खाणी विचों जन्म लेंदे है। उत्पुज का अखरी अर्थ हुंदा रुख ते जिहड़े पत्थर ने। सतगुरु कहन लगे भलिया एक वक्त सी ए नहीं सी खाणी ना बाणी बाणी का अर्थ है आवाज बोल। अज किन्ने तरह दियां आवाजां मनुख की अपनी आवाज है पशु की अपनी आवाज है पंछियों की अपनी आवाज है। सतगुरु कहन लगे उदों आवाज भी कोई नहीं सी खाणी ना बाणी पौण ना पाणी। अज पौण रुमकदी है पानी दे प्रवाह चलते है धरती ते ना कोई जांदा सी इमें एक वक्त रब दा हुक्म वरतदा सी। हुण गुरु तेग बहादुर साहब बाणी विच बचन कह रहे हैं साहब कहन लगे साधो रचना राम बनाई। यह जिहड़ी रचना है यह उस परमात्मा की बनाई हुई है ते वेखो सतगुरु की बाणी विचों तुसी पुछो। मैं एक बेनती तुहानू चलदिआं कह दिया बगदाद की धरती ते कई सवाल बाबे गुरु नानक साहब नाल दस्तगीर पीर ने किते उन्हां विचों एक सवाल उन्हें यह भी किया सी कहन लगे सतगुरु ये दसो परमात्मा कदों तो है। हजूर कहन लगे तू गिनती शुरू कर दस्तगीर पीर नूं बचन आख्या उन्हें गिनती शुरू की एक दो तीन चार। हजूर कहन लगे नहीं तू उल्टी गिनती शुरू कर उन्हें गिनती की चार तीन दो एक। हजूर कहन लगे एक तो पहला पिछे बोल कहन लग्या महाराज एक तो पहला कुछ भी नहीं। गुरु नानक साहब कहन लगे जो कुछ भी नहीं सी परमात्मा उदों भी सी। फिर बेनती नूं ध्यान नाल सुनियो हुण सतगुरु ने बचन आख्या ये पसारा नहीं सी फिर परमात्मा ने कला बरताई। वेखो परमात्मा की जदों गल चले ते हजूर का वचन है आप ही ने आप साजो आप ही ने रचो ना वो अपने आप तो है पर जदों उन्हें सृष्टि नूं साजिया है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच वचन है उन्हूं एक शब्द बोलना पिया जिन्हों बाणी विच आख्या जांदा है कीता पसाओ एको कवाओ। कवाओ का अर्थ हुंदा बोलना रब ने पसारा खलारन दे लई जदों उस मालक ने सृष्टि बनाई उन्हें एक शब्द अपने मुख तो बोलिया। शब्द लंबेरा हो जाएगा तुसी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विचों ये विषय नूं पढ़ो ते जपजी साहब विच एक वचन आप जी पढ़दे हो कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुती माहो कवन जित होआ आकार। कहन लगे केड़ा वक्त सी केड़ा दिन सी केड़ा थित वार सी जदों आकार बनिया ते हजूर ने तीन गल्लां अगे आखियां। कहन लगे भलिया ए दिक दी ख्याल करना होवे वेल ना पाईया पंडती जो होवे लेख पुराण। पंडित नूं नहीं पता जे पता हुंदा पुराण विच लिख दिंदा। वक्त ना पायो कादियां जे लिखन लेख कुरान कादी नूं नहीं पता सृष्टि कदों बनी जे पता हुंदी गुरु नानक साहब कहन लगे कुरान विच लिख दिंदा। अगला वचन वरत्या थित वार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई जोगी नूं कोई ज्ञात नहीं है ये थित वार दिन संसार कदों बने है। गुरु नानक साहब नूं आख्या सतगुरु कादी नूं नहीं पता
पंडित नूं नहीं पता, जोगी नूं नहीं पता, तुसी दस दिओ। गुरु नानक साहब ने बचन आखे, कहन लगे भलिया जा करता सिरची कौ साजे आपे जाने सोई। जिस मालक ने साजी है वह आप ही जानदा है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पवन ते जल होए, जल ते तेरे पवन साजिया घट घट जोत समोए। गुरु तेग बहादुर साहब जी इत्थे बचन आख रहे है, साधु रचना राम बनाई। ये जिहड़ी रचना है ये उस मालक की बनाई हुई है। वेखो मैं बेनती तुहानू करा, सृष्टि की है? गुरु अर्जुन देव जी का एक बचन है, कहन लगे बाजीगर पिंडा थामा विच बाजी पाउण आउंदा सी। जदों उन्हें आना वह कला हुंदा सी बाजीगर, बहुत ध्यान नाल सुनियो। फिर उन्हें की करना, कई कठपुतलियां बना लेनियां, किसी नूं राजा किसी नूं बादशाह भिखारी चोर सिपाही दरबान मंगता, ते फिर एक तमाशा विखाउणा लोकां नूं, ते लोकां ने तमाशा वेखना। जदों उहदा तमाशा समाप्त हो जांदा सी ते उह बाजीगर सब कुछ समेट के फिर कला रह जांदा सी। सतगुरु कहन लगे जिहड़ा परमात्मा है ना, उह मानो एक बाजीगर दी तरह। गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं इत्थे जो कुछ वेखी जा रहे हो यह सब कुछ उस परमात्मा बाजीगर का बनाया होया है। ये उसे नहीं बनाया है, तो यह उही जानदा है उन्हें कदों किनू समेटना है तो कदों किनू बनाउणा है। पर एक गल पक्की है, सब कुछ नाश सकदा है पर सतगुरु कहन लगे एक परमात्मा अटल है। बाणी का वचन है, बाजीगर जैसे बाजी पाई नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पासारा तब एक है एक अंकारा। गुरबाणी में एक बचन आंदा होर, थोड़े गहरे शब्द ने पर बाणी के शब्द वल ख्याल करो। गुरु नानक साहब जी का श्लोक है, साहब कह लगे नहीं इत्थे कदी ख्याल करो, बहुत लोग ओ इत्थों बह बह के चले गए, ना दादे देहांत आदमी ना सप्त जेर जिमी। इत्थे सतगुरु कहन लगे फैसले करन वाले अपने आप नू अहंकारी कहाउण वाले जिहड़े इत्थों तक भावना रखदे सन वी साडे तो बिना कदे पता नहीं हिलदा, सतगुरु कहन लगे इत्थे ओह वी चले गए, ना दादे देहांत आदमी ना सप्त जेर जिमी। पर साहब कहन लगे अस्त एक दिगर कुई एक तुई एक, तू रहण वाला एक मालक परमात्मा तू है। गुरु तेग बहादुर साहब जी का पहला शब्द है, आप एक शब्द में विचारना है, साधो रचना राम बनाई। ये रचना उस मालक की बनाई है। अगला वचन ध्यान दो, एक बिनसै एक अस्थिर मन है अचरज लख्यो ना जाई। कह लगे एक ओ है जेड़ा बिनस जांदा है, जन्म लिया चलिया गया, पर हैरानगी इस गल की है। एक ओ है जिहड़े इत्थों तुरे जा रहे ने उन्हां वल वेख के कदी ख्याल नहीं करदा भी मैं भी बिनस जाना है, हालांकि वह अपने आप नूं पक्के समझ के इत्थे भी मेरी टेट लगी हुई है। एक बिनस है एक अस्थिर मन है, अपने आप नूं कदी मौत नेड़े समझदा ही नहीं। अचरज लख्यो ना जाई, यह बहुत अश्चर्य कहानी है। एक बेनती मैं तुहानूं करां, जन्म ते जड़ी मौत है ना, बहुत ध्यान नाल ख्याल करियो, यह मर्जी नहीं है किसी की। गुरु ग्रंथ साहब का वचन है, सतगुरु जी मर्जी नहीं फिर की है? साहब कह लगे यह हुक्म है मालक का, जम्मन मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए जी भाणे विच आया भाणे विच चले जाता है। जोर ना जीवन मरन नह जोर, ना किसी का जम्मन ते जोर है ना ही किसी का मरण ते जोर है। पर एक गल सतगुरु ने होर स्पष्ट की, कहन लगे भलिया एक गल चेता रखी, जेड़ा जन्मे है ना उन्हें बिनसना लाजमी है। गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक श्लोक है, सतगुरु गल ही नबेड़ देंदे है, कहन लगे जो उपजो सो बिनस है परो आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले
छाल सगल जंजाल जेड़ा पैदा होया उन्हें बिनसना लाजमी है। ख्याल इस गल का करने भलिया तू अपने जीवन अंदर जंजाल विचों सुरत कढ़ के निरंकार के चरणों में जोड़ ले। यह तो मसला ही स्पष्ट है भी जिहड़ा आया उन्हें जाना है, जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है। पर गुरु एक गल आखद मैं बहुत संखेप तुहानू कह दिया, मौत है ना जिहड़ी, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह इहनू तीन तरह की आखदे है, आपां तां एक तरह की समझने है। एक मौत तो यही है कि श्वासां दी लड़ी टुट जाए तो खून का दौरा बंद हो जाए, आप आखने प्राणी चढ़ाई कर गए है। तो सतगुरु ने भी इन बाणी विच बड़ा स्पष्ट आख्या है, कहिंदे राजे रईयत सिकदार कोई ना रहसियो, हट पटन बाजार हुक्मी टैसियो, की राजे की प्रजा इत्थे सब ने चले जाना है, इत्थे किसी ने बह नहीं रहना। फरीदा किथे तेंडे मापिया, जिन्नी तू जने ओहे तै पासों ओहे लद गए, तू अजे ना पति नोहे। कदी बाबा फरीद साहब बाणी विच वचन आखदे आ, भलिया शेख हयाती जग ना कोई थिर रहिया, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। कदी बाबा फरीद साहब बोल के शब्द आखदे है, बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, ओ प्यारिया तू अल्लाह खुदा दी भगती विच जुड़। महाराज क्यों? कह लगे ए तन होशी खाक निमाणी गौर करें, इस तन ने खाक हो जाने, मिट्टी की ढेरी हो जाने, तू खुदा दी बंदगी में जुड़िया कर। एक मौत तो यह है जड़ी राजा परजा सम कर मारे, ऐसो काल विडानी दे, की राजा की परजा सब नु इको थां लटाउंदी है। एक दूजी मौत है, वह मौत गुरु अर्जुन साहब ने आखी है। कह लगे तुसी हैरान होवोंगे, शरीर भी समर्थ है, तुरदा फिरदा भी है, खा पी भी रहा है, देखी सुनी बोली भी जा रहा है, पर है मुर्दा। गुरु अर्जुन देव जी कह लगे सतगुरु ये किवें हो सकता है, मनुख खांदा पींदा बोलता चलता होवे ते मुर्दा होवे? सतगुरु कह लगे है। सहबाणी विच वचन आखदे आ, सो मुआ जिस मनो विसारे, जिन्हें अपने हिरदे विचों परमात्मा दे नाम नू भुला दिता। सतगुरु कहन लगे वह भी आत्मक तौर पर मर चुकी है, वह भी मुर्दा है, यह दूजी मौत है। चीजा गुरु अर्जुन साहब ने गनाई है। महाराज कहिंदे जे कोई अत दा सोहना होवे, उच्ची कुल दा का हुंदा होवे, अपने आप विच चलाक बड़ा होवे, चौथी गल तनाड़ बड़ा होवे, पंजवीं गल विद्वान बड़ा होवे, पंज चीजा तेरे कोल होवन। पर सजना एक गल चेता रखी, अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत, मृतक कही यह नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। जे रब नाल प्रीत नहीं है, इन्ना कुछ हुंदियां होया भी तू मुरदा है, आ दूजी मौत है। एक तीजी मौत है, कबीर साहब दा जिक्र करदे है, भगत कबीर साहब कहन लगे संसार मरी जा रहा है, पर अज तक किसी नू मरना नहीं आया। हैरानगी की गल है, गुरु तो पुछो सतगुरु कोई मरण का भी ढंग तरीका है? सतगुरु कहन लगे है संसार मर रहा है पर किसी नू मरना नहीं आया। पुछो बाणी तो साहब कहन लगे, कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जानिया कोई, मर रहा संसार। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जानिया कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। पर सतगुरु कह लगे तू इको बार गुरु का पल्ला पकड़ के, गुरु के शब्द विच अपने आप नू मार के जे किते जीवन बतीत कर ले, सत जानी बार बार तेरा जम्मन मरण तो खेड़ा छुट जाए। ये बहुत लम्मा पंध है गुरबाणी मुताबक, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। कदी गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह ताही सिख नू सौण वेले एक गल आखदे है, कहन लगे सिखा जे तेनू मेरा हुक्म चंगा नहीं लगता ना,
तू सौन लगे तो मैं तेनू बेनती भी करने तैयार है, पर तू कदी ध्यान नाल मेरी बेनती भी सुन ले। गुरु अर्जुन देव जी बेनती आखते है, करो बेनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला इहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला औद कटह दिन सरह नारे, मन गुर मिल काज सवारे, ओ भलिया दिन दिन करके रात रात करके तेरी उम्र घटती जा रही है। तू गुरु दा पल्ला पकड़ के अपने जीवन दे कारज नूं सवार ले। इहनूं सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी कह रहे हैं, साधो रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थिर मन है, अचरज लख्यो न जाई। ये बहुत अचरज बात है कि एक पासे संसार तुरी जा रहा है पर एक फिर भी अहंकार विच पै के कभी मौत चेते नहीं करता। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तुसी पढ़ो, बाणी में एक शब्द आता है, कहने लगे जिहड़ी मौत है ना वह बंदे दे सिर ते हसदी है। सतगुरु क्यों? कहन लगे वह हसदी है भी बंदा करन की आया है, करी की जा रहा है। ए अपनी बाद ते साध विच पै के दो शब्द वरते, बाद दा अर्थ अपने अहंकार विच पै के, साध दा अर्थ अपनी दुनिया दे रसा कसा विच पै के उलझा पे है। इन्हें करना की सी, करी की जा रहा है। मौत कहन लगे देख के हसदी है, बाणी दा वचन है, मृत हसै सिर उपरे पशुआ नहीं बूझे, बाद साध अहंकार में मरना नहीं सूझे। तो गुरु एक गल आखद, एक बिनसै एक अस्त्र माने, अचरज लख्यो ना जाई रहाओ। जेडे अगले काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूर्त बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो, जो सुपना रहनाई। कीर्तन दे रूप में शब्द तुसी सुने है, काम क्रोध मोह बस प्राणी। कह लगे मनुख है एक काम दे लोक गम्यंग जप तप सील विदारन है। कह लगे काम मनुख दी जिंदगी विच इन्ना हनेरा कर दिंदा है, इन्ना भरमा दिंदा है, इहदा कीता होया जप तप धर्म कर्म सब कुछ नाश कर दिंदा है। हुण गुरु तेग बहादुर साहिब बाणी विच वचन आखदे है, कह लगे तू अपना जीवन काम बस पै के, तू अपना जीवन क्रोध बस पै के। काम क्रोध काया को गल है, ज्यों कंचन सुहागा ढाल है। सतगुरु कह लगे ये काम क्रोध शरीर नूं गाल दिंदा है, ते तू अपना जीवन जां मोह बस पै के बर्बाद करी जा रहे हैं। सतगुरु कह लगे कदी ख्याल नहीं करदा, झूठा तन साचा कर मान्यो, ज्यों सुपना रह नाई। ये तन झूठा है पर तू सच्चा मन के बह गया, जिमें सुपने दे अंदर कोई सुपने नू सच्चा मन लैंदा। यकीन जानो गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे शब्द ने मनुख नू सुपने बस अजिहा भुलेखा पिया है भी आ जिहड़ा संसार सच्चा है, ते बड़ा वड्डा भुलेखा पै गया। नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने भया भिखारी, अछत राज बिचरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। जिमें एक बादशाह महल विच सुता रात नू सुपने, तू महाराज कहन लगे भिखारियां दी तरह मंगत्यां दी तरह अपना जीवन बकारां विच ही गलतान कर दिंदे। एक बेनती मैं तुहानूं इह भी कहन लगे हैं, कल रोज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पुरब है, मैनू खिमा कर दिओ। अज हालात यह ने भी तुसी इतिहासक दिन होवे, बहुतिया नू पुछ के वेखो उन्हां दी सुरत विच यह भी नहीं हुंदा भी अज किहड़ा पवित्र इतिहासक दिहाड़ा है। पर मैं तुहानू बेनती करा, असी हर पक्ष अपने जीवन का भावें दुख है भावें सुख है गुरु कोल लैके आउणे है। घट्टो घट सानू बहुता नहीं, थोड़ा वाला तो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी प्रति पता ही होना चाहिए भी सतगुरु मैं तेरे को बेअंत मंगा मंगना, मैं तेरे को दुख सुख लैके आना, मैं तेरे को दाता लैके भोगना। घट्टो घट कदी शुक्र कर दिया मैं तेरी बाणी की भी सोधी रखा,
थोड़ी जी तुहानू बेनती कहन लगी हां, ध्यान विच कर लो बाणी किवें संपादित की गुरु अर्जुन साहब महाराज ने, क्यों की। सब तो पहली गल, गुरु नानक साहब ने चार उदासियां कीतियां, जिथे सतगुरु बाणी उचारदे सी सतगुरु ओ बाणी नू चेता रखियो लिख भी लेंदे सी, कलमबद्ध कर लेंदे सी। इतिहास विच ते जिक्र हुंदा है कि सतगुरु दी कोल कुछ लिखारी रहिंदे सन, हंसू लोहार, सैदो केहो, भगीरथ मनसुख, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਲਖਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਭਗਤ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੋ ਪੋਥੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਵੇਖੋ ਪੰਜ ਪੋਥੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਭਗਤਾਂ ਦੇ 773 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 958 ਸ਼ਬਦ ਨੇ 19 ਲਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪੋਥੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 12 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪੋਥੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 885 ਸ਼ਬਦ ਨੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 647 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 2312 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਰੂਪ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਨੇ ਵੀ ਵਰਤ ਕੇ ਛਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਵਧੀਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੇਹਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪਿੰਡ ਹੇਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਸੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਲੀ ਉਚਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਵਰਤਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰੇ, ਪਾਰਸੀ ਹਿੰਦਵੀ
संस्कृत ते गुरमुखी पढ़े। वेखो चार भाषावां दा ज्ञाता सी मेहरबान। मैं एक बेनती तुहानू करा, औरंगजेब दे दरबार विच बहुत ध्यान नाल सुनियो, औरंगजेब दे दरबार विच राम राय गया है। राम राय नूं पुछया जांदा है कि आसा की बार विच गुरबाणी विच लिखिया होया है, मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पे कुम्हार। हुण वेखो किन्नी हैरानगी दी गल है, सानू नहीं पता होगा। अज भी जे साथ बहुत तो पुछो, सानू नहीं पता होगा भी ये जी पौड़ी है, ये जो वचन है, श्लोक कितने लिखा हुआ है। पर उन्होंने मुगलों को पता है इस गल का, मुगलों को इस गल का पता है। मेहरबान भी बहुत ज्ञात रखता सी, अज भी वो लिखे हुए धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं जिहदा जिक्र है मेहरबान दियां गोष्टां। बड़ा वड्डा एक ग्रंथ है वह उच्चारण किया हुआ। हुण वो चार भाषावां दा ज्ञात है। मेहरबान पुत प्रीथिए दा कविसरी करे, पारसी हिंदवी संस्कृत ते गुरमुखी पढ़े, तिन भी बाणी बहुत बनाई, भोग नानक जी ते पाई। वो हर थां ते अखीर ते शब्द नानक वरतदा। हुण गुरु अर्जन देव जी नूं पता लग्गिया भी ये इवें बाणी विच रलेवां पा देणगे। इतिहास दे बोल ने एक दिवस प्रभ प्रातः काल, दया भरे प्रभ दीन दयाल, जह मन उपजी रच्यो तह पंथ, तह कारण कीते अब ग्रंथ, भाई गुरदास को आग्या करी। भाई गुरदास जी नूं वचन आख्या, कह लगे बहु बानी भगतन की, जुदा करिए साची मेलो झूठी पेलो। यह बचन गुरु अर्जुन देव महाराज ने भाई गुरदास साहब नूं आख्या, भाई गुरदास साहब जी ये ललिमा पा देंगे बाणी दे अंदर, अज तक इन्हां बराबर लंगर चलाए, मसंद पैदा किते, अज एक ग्रंथ तैयार करके इवें भुलेखा पाउणगे। हुण आपां नूं अमृत बाणी नूं एक ग्रंथ का रूप दे देना चाहिए। मैं बेनती करां, गुरु अर्जुन देव जी ने बहुत पवित्र जगह, केड़ी जगह चुनी रमनीक, रामसर सरोवर दा कंडा। उस वेले इत्थे रुखां दा झुंड सी ते छोटा जिहा एक निर्मल जल सी, क्योंकि लिखण वेले दो गल्लां दा ख्याल खास करके रखना पैंदा है, बहुती गर्मी ना होवे, पसीना आएगा हथ नूं ते फिर कागज जिहड़ा ओह गलेगा, बहुती ठंड भी ना होवे, हथ कंबेगा, अखर दी बनतर ठीक नहीं बनेगी। गुरु अर्जुन देव महाराज ने रामसर सरोवर का कंडा चुनिया, भाई गुरदास जी नूं लखारी लाया, भाई बन्नो की ड्यूटी लाई कि तू कलमा घड़नी है ते स्याही का प्रबंध करना है, बाबा बुढ़ा साहब जी की ड्यूटी लाई कि दरबार साहब की जिन्नी संगत आएगी उन्हों तुसी संभालना है, कार सेवा संभालनी है। तुसी हैरान मनोगे 1601 ईस्वी तो लैके 1604 ईस्वी तक 3 साल गुरु अर्जुन देव महाराज पवित्र बाणी भाई गुरदास जी तो लिखवाउंदे है। एक दिन भी सतगुरु दरबार साहब नहीं गए, ना ही किसी सिख संगतां नूं हुक्म है भी तुसी इत्थे आके दर्शन करन आउणे है। सतगुरु 3 साल बिल्कुल एकांत विच टिक के एक चौंकी तैयार करवा के भाई गुरदास जी तो बाणी लिखवाउंदे है। समय की सीमा है पर बहुत कुछ बचन वाला है। जिहड़ा कागज़ है ना, कागज़ सब तो पहला कागज 704 ईस्वी के अंदर चीन विच बनता, सब तो पहला उदो हाथ नाल कागज़ बनता सी। बाद विच कुछ चीनी लोग अरब कंट्रियां ने पकड़े सन ते उन्हां चीनी कैदियों तो कागज़ बनाउणा सिखिया अरब देशां ने। उस तो बाद किते जाके ये भारत विच बहुत लेट आया सी, ते जदों भारत विच कागज बन लग्या ना, दो थावां ते बनदा सी, कश्मीर ते सियालकोट। गुरु अर्जुन देव महाराज ने जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप लिखाउण लगे, जिहड़ा कागज है वह कश्मीर की धरती तो मंगाया सी महाराज ने, बहुत चंगा कागज मंगाया सी। महाराज सच्चे पातशाह महाराज ने 3 साल ला के, मैं संखेप कह दिया, इत्थे भाई कान्हा छज्जू पीलू शाह हुसैन वर्गे आए,
जिन्ना मैं मेरी दी गल कीती उन्हां भी आख्या भी साडी बाणी दर्ज कर दिओ। साहब ने एक नूं आख्या सी सुनाओ तू तुहाडे कोल किहड़े बोल ने, ते काने ने शब्द वरते सन मैं ओही रे मैं ओही रे, जाको ब्रह्मा विष्णु महेशे करदे सेवी सेवा रे। सतगुरु कहन लगे भलिया इत्थे मैं मेरी दी गल नहीं है, इत्थे ते कबीर तू तू करता तू हुए दी गल है, असी तेरे बोल दर्ज नहीं करांगे। काने ने गुरु अर्जुन देव जी महाराज नूं धमकी दे के शब्द वरत्या सी तुहानूं मैं देखांगा, क्यों कहा सी? क्योंकि चंदू नाल उहदी जारी सी, चंदू जहांगीर दा अहलकार है। गुरु अर्जन देव जी ने एक बचन आख्या सी, कहन लगे काना क्यों अहंकार विच गल्लां करेगा, लाहौर पहुंचेगा ते गल करेगा, और रस्ते विच ही रह गया सी। सतगुरु ने बड़ी पवित्रता, सिखा ने कदी ख्याल नहीं किया, मैनू खिमा कर दिओ, वक्त दा हुक्मरान जहांगीर यह शब्द कहिंदा सी मेरे कहे मुताबक गुरबाणी विच शब्द दर्ज कर दिओ जो मैं कहना है। सतगुरु ने शहादत दे दी गुरु अर्जुन देव जी ने, पर सतगुरु ने जहांगीर के कहे हुए मुताबक गुरबाणी विच एक भी शब्द दर्ज नहीं किया। असी कभी बाचते नहीं है इन्नी गहराई नाल। मैं फिर बेनती करा, तीन साल का समा ला के ये अमृत बाणी धन गुरु अर्जुन साहब महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी का पावन स्वरूप तैयार किया, बहुत विशालता रखी। उदों जड़े अंग सन ना उदों 974 अंग सन गुरु ग्रंथ साहब जी के, हालांकि उदों दो पन्निया का एक अंग मनिया जाता से। थोड़ा तुसी इस गल नूं ध्यान में रखियो, ये जड़ी हुण अंग है ना 1430 बाणी दे, ये 1865 विच जाके नियत किए गए है, क्योंकि सब तो पहला जड़ी प्रेस है वह एक अंग्रेज होया विलियम कैरी ने प्रेस लाई सी सब तो पहला कलकत्ते, ते उत्थे बाइबल छपी सी पंजाबी विच सब तो पहला। बाद विच एक प्रेस लगी लाहौर दे जड़े सज्जन ने प्रेस लाई, उन्हें खालसा पंथ नूं बेनती कीती सी भी मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संपादना छपाई करनी चाहुंदा जे तुसीं आग्या दो। उदों 1865 ईस्वी दे अंदर पहली बार गुरु ग्रंथ साहिब जी दा स्वरूप मशीनी छपदा है, ते जिहदे अंग 1430 नियत कर दिते गए। पहला अंग नियत नहीं सी, चेता रखियो, पहला अंग वक्रे वक्रे लए, हथ लिखत स्वरूप होंदे सन, किसे दे 1111 सी, किसे दे 1313 सी, किसे दे 1200 सी। जेड़े स्वरूप गुरु अर्जुन देव महाराज ने भाई गुरदास साहब जी तो लिखवाए उहदे 974 अंग सी, दो पन्नियां दा एक अंग गिणिया जांदा सी। अज भी तुसी श्री दरबार साहब जाने हो ना, जदों उपर प्रकाश है जिहड़ी वीड दा बाबा दीप सिंह जी का हाथ लिखित स्वरूप है, कदे लागे होके वेखियो उहदे दो अंगां दा इक्को ही अंग बाबा दीप सिंह जी ने पाया होया है। तां मैं बेनती कह रहा सां, इवें सतगुरु ने पावन बाणी 974 अंगां दी लिखी, तरतीब बड़ी वरती गुरु के सिखो। सब तो पहला जपजी साहब लिखिया, फिर सोदर दे पंज शब्द लिखे, फिर सो पुरख दे शब्द लिखे, फिर 16 साहब की बाणी लिखी, एक अंग तो लैके जिहड़ी 13 अंग तक की बाणी है, इहदे उपर किसे राग का नाम नहीं, इहनू राग मुक्त बाणी आख्या जांदा है। 14 अंग तो श्री राग आरंभ किया, 1353 ते जाके जैद आखिमा करो प्रभाती की समाप्ति करते हैं। उदो 30 राग सन ना, 31वां राग ते एक एक शब्द का गुरु अर्जुन देव जी ने जोड़ पाया। तुसी जे थोड़ा जा अपनी सुरत ते ध्यान दिओ, कदी बाणी नूं गहराई नाल बाचो, जिवें श्री राग आरंभ हो गया, गुरु नानक साहब की बाणी आरंभ हो गई। मैं उदाहरण दे रहा, पंज शब्द उचारे गुरु नानक साहब ने, सतगुरु पहला शब्द उचारदे एक लिख दिया, फिर 2 3 4 5, हुण जदों पंज उचार दिते फिर पंज लिख दिता। अगां गुरु अमरदास जी दे 3 शब्द आ गए, हुण डंडियां पा के 1 पाउणगे, फिर डंडियां पा के फिर 6 पाउणगे, 6वां शब्द हो गया, फिर 7वां हो गया, फिर 8वां। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी अंदर गुरु अर्जुन देव महाराज ने
गुरबाणी दे शब्दां दा जोड़ रखिया, कल कोई इहदे विच बाद घाट ना कर सके। यह बख्शिश बरताई। बाबा बुढ़ा साहब जी ने फिर आवाज मारी, सद्या भाई गुरदास साहब जी ने, सारिया सिख संगतां आईया। पहला प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब जी का, बाबा बुढ़ा साहब जी दे सीस ते। मैं बेनती, मैं एक एक गल रोकती है, 98 साल की उम्र है बाबा बुढ़ा साहब जी की। किन्नी? 98 साल की। कदों? जदों पहला प्रकाश होने लगे है। बहुत ध्यान सुनियो, 1506 ईस्वी में जन्म है बाबा बुढ़ा साहब जी का। जे 1606 प्रकाश हुंदा, पूरी 100 साल की उम्र होनी सी। 98 साल की उम्र है। तो गुरु अर्जुन देव जी आखदे, बाबा बुढ़ा साहब जी तुसी अपने शीस से गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप लवो। बाबा बुढ़ा साहब जी पहला हुक्मनामा लेंदे है। मैनू खिमा करियो, दुख नाल कहना पैंदा है, अज की बजुर्गी है जिहड़ी चिट्टे दाड़े ने, वह भलिओ गुरबाणी नाल अपनी बजुर्गी सांझी करन दी बजाए वह मोड़ां ते बैठ के ताश नाल बुरगी बजुर्गी बतीत करी जा रहे है। वह ताश कुट्टण विच ते विश्वास रखते हैं, वह अपनी बजुर्गी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नाल सांझी नहीं करते। ये जिहड़ी ताश है उन समय की सीमा है। ये राजियां की बनाई एक राजनीति की खेड सी। अज पिंड पिंड लोग खेडी जा रहे हैं। ये है कि जिथे बादशाह आ गया उत्थे बेगी ते थले खत्म हो गया, जिथे बेगी आ गई उत्थे गोला ते थले इसला खत्म हो गया, जिथे गोला आ गया उत्थे दसे पंजे खत्म हो गए। इन्हां विचों जिहड़ा यक्का है ना उन्हूं एक आख्या जांदा है, ते दो तो लैके 9 अखर है। जिथे 2 तो लैके 9 अखर एका कर लैन सारे, उत्थे बादशाह भी किसी काम का नहीं। यही तो एक राजनीति है। अज सिखा नूं एका नहीं करन दिता जा रहा है, क्योंकि पता है भी जे इन्हां एका कर लिया गुरबाणी पढ़ विचार के ते फिर साडा कुछ नहीं बनना। यह एक राजनीति की खेड है। मैं तुहानूं बेनती करा, जिन्हों असी अपने हिरदिया विच वसा के बह गए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया, उस गुरु ग्रंथ साहिब जी पावन बाणी का वचन है, साधो रचना राम बनाई, एक बिरसा एक अस्त्र मान है, अचरज लख्यो ना जाई। कह लगे ये रचना मालक की बनाई है। एक ए तो बिनसी जा रहे ने, एक इत्थे पक्के होण दी अपने अंदर हामी भरी जा रहे ने। यह अचरज खेड है मालक की बनाई हुई। अगले वचन है, काम क्रोध लोभ बस प्राणी, हर मूर्त बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो। सतगुरु ने वचन वरत्या, जो सुपना रह नाई, असंसार सुपने की तरह बंदे, तू झूठे तन नू सच्चा मन के नाम है। मनुख का सुभा है रतन त्याग, कौडी संग रचै साच छोड़, झूठ संग मचै जो छड़ना। सो अस्त्र कर मन है, जिन्हों छड़ने उन्हों पक्या मन के बह गया है। जो छड़ना सो अस्त्र कर मन है, जो होवन सो दूर पुरान है। जेडे मालक ने नाल निभने उन्हों को हां दूर समझदा है। अखीरले वचन है गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे, कह लगे भलिया, जो दिसै सो सगल विनाशै, जो बादर की छाई। जो कुछ दिसदा है ना, हजूर कहन लगे बदल की छां की तरह। गुरु तेग बहादुर साहब कह लिया, बदल की छां किन्ना कुछ समा टिकदी है। जो कुछ दिसदा है मानो बदल की छां है। जो दिसै सो सगल विनाशै, जो बादल की छाई, जन नानक जग मिथिया मानो। हे भाई, गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे ने, इस संसार नू मिथिया मानो, रहो राम शरनाई, ते तू अपनी टेक परमेश्वर नू बना के अपना जीवन गुजार ले। एक बेनती कहन लगे हैं, मैं किसी की खुशामद नहीं करता, ना ही मेरा सुभा है, पर मैं सच कहन लगे हैं, खिमा कर दियो, तुसी बाप ते पुत्तर नू कठियां बैठ के, मैं बोल बाणी दी हजूरी च कहन लगे हैं, शराबा कबाबा पींदियां ते विशे बकार भोगदियां ते वेखे होवणगे। क्योंकि इस गुरु तो टुट के काम कर दें, कोथा बाप बैठे उथी पुत बैठा है, उथी धी बैठी है, ते असी बकारा दी जिंदगी जो कि प्रसन्न हुंदे हैं, जहर पीने असी। ये तुसी बहुत बारी वेखे होणगे, बाप पुत इको थां बैठ के
ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ। ਕਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ। ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਬੁਤਾਲਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਬੁਤਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹ ਘਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਸੰਤੀ, ਬੀਬੀ ਸੰਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਭੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ। ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਸੰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਵੱਖਰਿਆਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਪੱਲਾ। ਭਾਈ ਪੱਲਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸੰਤੀ ਦਾ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਸੰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਭਾਈ ਪੱਲਾ, ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤ ਹੈ। ਆਖਰ ਵਕਤ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾੜੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਪੱਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਰਸੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਚੱਲਿਆ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਪੱਲੇ, ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਗੁੜ ਦੀ ਭੇਲੀ ਰੋੜੀ, ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਚੇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਏ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਵਕਤੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਲੋਕ ਤੀਰਥ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆ ਵੀ ਗਏ। ਮਾਂ ਸੰਤੀ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਧਰਮ ਪਾਲੇਗੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕਦੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ,
गुरु हरगोबिंद साहब ने वचन आख्या सी पल्ले अज तेनू लोग दुरकारदे है, वक्त आएगा तू पिंड दा चौधरी बनेगा। तुहानू पता होवे ओ भाई पल्ला गुरु घर दा अपने पिंड दा चौधरी रहा है। मैं ये तां बेनती कहन लगे, भाई साहब कह रहे सन माता नछत्र कौर जी ने इस घर विच सिखी दा बूटा लाया, अज भी जिहड़ी मां अपने हिरदे विच सिखी पाले ते अगा अपनी कुख तो जन्म देण वालियां नू इह गल समझाए ना पुत्तर आपां ते गुरु। माता नछत्र कौर जी दी अंतम अरदास में तुसी जुड़ बैठे हो, बेअंत माण मत्ते शख्सीहतां अपने विच महापुरख बाबा गुरदेव सिंह जी कार सेवा वाले पहुंचे हुए हैं। मैं दो कु मिनट समा और लेना, खिमा कर दूं। यह तो मैं कई बार सोचना भी जिन्ना सारा जीवन लेखे लाया हुआ है ना, वो अपना तन मन धन मैं सत कह लगे साढ़े वर्गे तो फिर भी कथा कीर्तन करते हैं, जो तुसी चार टके ना दो तो शायद मूँह होर तरह का बना लैन, खिमा कर दो। पर जिन्ना सारा ही जीवन लाया हुआ है उन्हें जन्म तो लैके अखीर तक अपना आप गुरु नू समर्पण किया हुआ है। तो इन्हों की झोली में जिवें ससराम की धरती ते बिहार में चाचा फगू होया तो वह ग्राही करता हुंदा सी गुरु घर दी, तो गुरु दे लेखे लाउणी ग्राही। तो एक दिन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह उहदी बड़ी भावना सी, उहदे ग्रह विखे आए तो महाराज कहन लगे भी लिया जिनी कार भेट है, सारी कार भेटा उन्हें भेट कर दिती। साहब कहन लगे भी नहीं, एक कार भेटा तू रख ली। चाचा फगू कहन लगे भी सतगुरु मैं तो कुछ नहीं रखिया। कहन लगे नहीं, वह सामने जिहड़ी बेरी खलोती है बेड़े विच, यह बेरी भी साड़ी है गुरु घर दी। संगत नूं कहन लगे सुना की कारण है, तो चाचे फगू ने एक गल सुनाई, कहन लगे बिल्कुल सच है कि मैं ग्राही लैन गया गुरु के नाम से, एक घर गुरु का नाम लैके आवाज लाई, सामने सिख दे घर वाली सिखनी ने शब्द वरते भी सिख घरे नहीं है, तो मैं कोई शब्द वर दिता भी धीए जो कुछ है हुण पा दे, बारी बारी आना मुश्किल है। तो वह कितने कलपी हुई सी अंदरों थोड़ा बहला गर्मी के कारण, वो झाड़ू मार के हटी सी, तो उन्हें वो कूड़े का ढेर चुक के ते मेरे पल्ले विच पा दिता। चाचा फगू कहन लग्या मैं पल्ले विच पा लिया, घर लिया के धो के उहदे विचों एक गिड़क निकली बेरी दी, गुरु दा नां लैके बेच दित्ती, वह गुरु की बेरी बन गई। सत जन जिहड़े कार सेवा वाले महापुरख है, इन्हां दी झोली विच जो तुसी पा दोगे ते मैनूं खिमा करिओ। धर्म दा मार्ग बड़ा औखा है, बेअंत लोग ने जिहड़े चंगे शब्द भी पाउंदे है, आदर सत्कार करदे है, बेअंत लोग ने जिहड़े अपनी भावना लेके कई बारी कूड़ा करकट भी इकट्ठा करके पाउण दा यतन करदे है, पर यह फिर भी अपना मार्ग ते चलदियां चलदियां सब कुछ गुरु नूं ही समर्पण कर दिंदे। सतगुरु जो कुछ पाया है तेरे नां ते पाया होया है। तो मैं बेनती करा ख्याल पाउण वाले नूं रखना चाहीदा है कि जे तू चंगा शब्द पाएगा तेनूं कई गुणा वध के मिलना है, जे तू कोई कूड़े दे बोल पाएगा मैनूं खिमा कर दिओ। धर्मियां दी झोली विच पाए हुए कूड़े दे बोल समा पा के तैनूं कई गुणा हो के मिलणगे। मैं बेनती करा बहुत अदब सत्कार योग महापुरख बाबा गुरदेव सिंह जी बैठे है इत्थे, बहुत ही सत्कार योग जसवीर सिंह हरा, बलजीत सिंह रेरू साहब दे मुख सेवादार गुरु घर दे, त्रिलोचन सिंह भमद्दी सत्कार योग सिख कौम का माण, वह भी आके पहला गए है, जिन्हां दी पिछले दिनी एक किताब रिलीज हुई, जिन्हां कई सुचे मोती पंथ की झोली विच पाए है, उन्हां विचों पिछले दिनी एक किताब दास्तान सिख सल्तनत उन्हां कौम की झोली विच अमोलक खजाना पाया है। इस तों अलावा सरदार गदावर सिंह गरचा जी विदेश ने पर उन्हां दा सुनेहा आया है, सरदार रमनदीप सिंह गरचा उन्हां दा सुनेहा आया है, सरदार गुरमीत सिंह सरपंच टड्डे उन्हां दा सुनेहा आया है, उन्हां भी श्रद्धा दे फुल ते दुख दी घड़ी विच सरदार सुरिंदर सांझे कीते है।
सरदार इंद्र सिंह नत्त बेअंत इत्थे मान मत्तियां एक एक दा नाम लवोंगे बड़ा समा चाहीदा सारयां नूं इत्थे जीआं आयां आप सुना कीता क्योंकि सरदार सुरेंद्र सिंह जी बहुता जड़ा ना ओ तां पाया सहज सेती मन बजियां बधाइयां राह गर इह वड़ियाइयां कह नानक सुनो संतो शब्द रूपे यारू साचा नाम मेरा आधारू बाजे पंचो शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द बाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मानक तह सुख हुआ तित कर अनहद बाजे आनंद सुनहो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे मिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।